नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशैल। सीधे अयोध्या से मुकाबला का ये स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं मैं। आज अयोध्या जगमग होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही सूरज ढलने लगेगा, जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगेगा, वैसे ही ये जो दीपक नुमा उम्मीदें हैं ये आसमान को रोशनी से भरती हुई नजर आएंगी। दिए लगने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, दिए लगा दिए गए हैं। ये जो पूरे के पूरे घाट है इन्हें दियों से सजा दिया गया है। वॉलंटियर्स तैनात हैं हाथ में मोमबत्ती लेकर, क्योंकि अब कुछ ही देर में वो पल आने वाला है जब इन वॉलंटियर्स को एक काम सौंपा जाएगा कि 24 लाख दियों का जो लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है वो लक्ष्य पूरा किया जाए और एक रिकॉर्ड फिर से कायम किया जाए, क्योंकि हर साल योगी सरकार दीपोत्सव के दिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आती है। 51,000 दियों से शुरू हुआ यह सिलसिला आज 24 लाख दियों पर पहुंच चुका है। आज पूरी अयोध्या की चमक देखने लायक है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और उससे ठीक पहले आज का दीपोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का स्वागत किया, फूल बरसाकर आज उनका भी स्वागत किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैसे अयोध्या बदल रही है और जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जो संकल्प बीजेपी सरकार का था, मोदी सरकार का था, वो संकल्प पूरा किया जा रहा है। अयोध्या से राम राज्य की कल्पना की जाती है और राम राज्य हर सरकार के देने का कर्तव्य होता है और ये करती हुई हमारी सरकार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम राज्य का मतलब है सबका साथ सबका विकास। तो मुख्यमंत्री एक बार फिर से राम राज्य की कल्पना करते हुए नजर आए और ये बताते हुए नजर आए कि बीजेपी की सरकार ही है जो राम राज्य लाने की बात कर रही है। अयोध्या में जहां तहां विकास कार्य हो रहे हैं और बस इंतजार किया जा रहा है दीपोत्सव का, कि दीपोत्सव जैसे ही शुरू होगा वैसे ही टिमटिमाती हुई अयोध्या नजर आएगी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज, आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बने, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद यहां आकर के मिला और आज उन्हीं के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में 500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। इस दौरान हमने नई अयोध्या को बनते हुए भी देखा है, यानी आज के दिन पर केंद्र और राज्य सरकार का मिलाकर के 178 परियोजनाओं पर 30,500 करोड़ रुपए की धनराशि अयोध्या के विकास के लिए खर्च हो रहा है। याद करिए, 30,500 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास को, और यह तो सरकार का पैसा, केंद्र और राज्य सरकार का पैसा है। भाइयों बहनों, निजी क्षेत्र में भी बड़ा निवेश यहां होने जा रहा है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जब तक रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तब तक भाइयों बहनों अयोध्या धाम में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देंगे। 50,000 करोड़ का मतलब लाखों लोगों के लिए रोजगार के सृजन की व्यवस्था भी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम राज्य का श्रेय अयोध्या को दिया। अयोध्या में जो काम काज हो रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर रही है और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। आइए इसी पर करते हैं चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही साथ वीएचपी से विनोद बंसल साहब मेरे साथ हैं और AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी भी मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दानिश कुरैशी जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। बीजेपी ने तो एक बार फिर से अपना विजन क्लियर कर दिया। सीएम आज जब अयोध्या में बोल रहे थे तो साफ कह रहे थे कि अयोध्या अगर बदल रही है तो उसके पीछे का जो सीधा सीधा मतलब है वो ये कि सबका साथ सबका विकास, यानी आकर रहेगा राम राज्य।
देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके का भाषण सुनते सुनते 2014 के बाद मोदी जी से हम सुनते रहे, अब ये शुरू हो गए हैं। अभी आप भाषण बता रही थी उनका, उसमें बताया उन्होंने 50,000 लाख करोड़ का पता नहीं कितने आंकड़े बता रहे थे। तो ये आंकड़े बाज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं तो खुद गुजरात से हूँ और मैंने बहुत अच्छे से नजदीक से आंकड़े देखे हैं कि किस तरीके के आंकड़े की मायाजाल में भारतीय जनता पार्टी, और खुद उस वक्त मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, हमने उनका उनके कार्य पद्धति और कार्यशैली देखी है। दुनिया भी अच्छे से उनको जानती है कि किस तरीके की उन्हें बात करती थी कि अब की बार किसकी सरकार और किस तरह से महिलाओं पर बंद होगा अत्याचार, और ये सारी चीजें आपके सामने। इसलिए इनकी भाषणबाजी ठीक है, करें, कोई परेशानी नहीं है, सत्ता में पार्टी है तो वो करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आम आवाम को कुछ इसका बेनिफिट होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जिस राम राज्य की परिकल्पना सीएम योगी कर रहे थे और जो वादा बीजेपी किया करती थी दानिश कुरैशी जी, वो वादा तो अब पटल पर उतर रहा है। 22 जनवरी वो तारीख भी आ गई जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि देश में संविधान का राज है और संविधान ही चलेगा, न किसी धर्म न किसी विशेष वर्ग की बात करने से मुझे लगता है कि देश का कहीं ना कहीं अपमान है और ये नहीं होना चाहिए। ये अपमान कैसे हो सकता है दानिश कुरैशी जी, अगर रामलला की बात हो रही है और किसी धर्म की बात हो रही है तो आपकी नजर में अपमान कैसे हो सकता है? आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इसी लोकतंत्र में ये आजादी है ना, इसी लोकतंत्र और इस संविधान में आजादी है ना अपने अपने धर्म की बात करने की, तो इसे आप अपमान कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सवाल यहाँ ये है कि देश में संविधान का राज है और संविधान का ही राज चलेगा, ना इस किसी एक वर्ग धर्म का, ना हिंदू धर्म का, ना मुस्लिम धर्म का, ना क्रिश्चियन वर्ग का, किसी धर्म वर्ग का की बात करने का कोई मतलब नहीं। और मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको गिल्टी फील करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने नेता को समझाना होगा, सबसे पहले आपको अपनी पार्टी की लाइन चेंज करनी होगी। अगर किसी भी धर्म की बात करना आपको लगता है संविधान का उल्लंघन है, संविधान के दायरे में नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको अपनी पार्टी को देखना होगा, अपनी पार्टी के नाम को बदलना होगा, लाइन लेंथ ही बदल देनी होगी। मैं दानिश कुरैशी जी खुद चाहिए, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। शिवम त्यागी जी, एक सेकंड, शिवम त्यागी जी सीधा सीधा कह रहे हैं दानिश कुरैशी जी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है, आप एक धर्म की बात कर रहे हैं तो संविधान के दायरे में ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि धर्म हर किसी का निजी विषय है और उसको मानने और मनाने के लिए तो संविधान भी नहीं रोकता। भाई, दानिश को अगर एक धर्म उनका है और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं तो संविधान तो उसको ये नहीं कहता कि आप मत मनाइए। और इसके अलावा अगर मेरा धर्म कुछ है, विनोद जी का धर्म कुछ है, प्राची जी का धर्म कुछ है, तो हमें भी उसको सेलिब्रेट करने से कोई रोक तो नहीं सकता। अब आप एक मुझे एक चीज बताइए, 55 देशों में जो है ईद मनाई जाती है, सब त्योहार मनाते हैं, लाखों करोड़ से भी ज्यादा शायद पैसा खर्च होता होगा। हम तो मानते हैं कि ठीक है, सबको अपना त्योहार मनाना चाहिए। 100 से ज्यादा देशों में क्रिसमस मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, वो सेलिब्रेट करते हैं, उनको अधिकार है और ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको हक देता है। कोई भी लॉ हो किसी भी देश में, त्योहार तो सब सेलिब्रेट करते ही हैं, तो इसमें दानिश जी को इतनी परेशानी की क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। मैं मानता हूं कि ये नफरत खत्म करिए, ये त्रेता युग की वापसी जिस तरीके से हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस तरीके से जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है आने वाली 22 जनवरी में, चीजें बेहतर हो रही हैं। मैं तो कहता हूं अयोध्या तो हमेशा सजी हुई ही बेहतर लगती है, हमारे भगवान राम की जगह है वो भी अगर नहीं सजी होगी तो कौन सा जगह। और मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्र में उसके त्योहार मनाने के लिए तो कोई किसी तरह की रोक नहीं है और उसमें किसी को कोई बुरा भी नहीं लगना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल, देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप शिवम त्यागी जी आप पर ये लगाए जाते हैं कि आप अयोध्या के नाम पर अपने आगे के सियासी मामले को सेट करना चाहते हैं, आप अयोध्या को बुनाना चाहते हैं ठीक 24 के इलेक्शन से पहले। देखिए, मुझे तो अभी जरा थोड़ा सा कमी समय हुआ है, लेकिन मैं अगर विनोद बंसल जी और अपनी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की बात करूं ना, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम 15-15 साल जो है ताने खाए हैं दानिश जी जैसे लोगों के और तमाम प्रवक्ताओं के। वो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं, ये देश को बेवकूफ बनाते हैं। प्राची जी, हमने चीजें की और आज मंदिर वहां बन गया, तो सेलिब्रेट करने का मुझे लगता है हमें तो सबसे ज्यादा अधिकार भी है और पूरे देश को भी अधिकार है, तो करना ही चाहिए। जिन लोगों ने गालियां खाई है आज उनको अगर ये उनके लिए खुशी का विषय है तो किसी को परेशानी क्यों है? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजनीति का विषय नहीं है।
अब अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और किसी को अच्छा लग रहा है तो मैं मानता हूं कि इसमें आप ही शायद राजनीति देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, हम तो अपनी आस्था से शीश झुका रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है दानिश कुरैशी जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। अपने धर्म को सेलिब्रेट करना, अपने धर्म के त्योहारों को मनाना, रामलला का मंदिर में विराजमान होना और उस पर हर्षोल्लास व्यक्त करना, ये क्यों चुभने लगता है आपको? देखिए किसी के भी धर्म में किसी की आस्था है उस पर दानिश कुरैशी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, चाहे कोई व्यक्ति नास्तिक ही क्यों ना हो। लेकिन आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री की पद की बात कही, आपने प्रधानमंत्री पद की बात कही, तब मैंने बताया आपको संविधान की बात। प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि हमने ये कहा और हमने वो कर दिया, मुझे तो आज तक 15 लाख रुपए नहीं मिले, मुझे मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए शिवम जी, तो मैं भी मान जाऊं कि भाई जो कहा है भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। तो सिर्फ मुद्दों पर बात करती है, मतलब गुण गाओगे AIMIM का, पर 15 लाख रुपए चाहिए शिवम त्यागी से, देश के प्रधान रात सुबह शाम मेहनत करोगे ओवैसी के लिए, 15 लाख रुपए चाहिए बीजेपी से, मोदी जी से, शिवम त्यागी से, कमाल हो गया भाई। अरे दिन रात जिनका भोपू बजाते हो उनसे मांगो ना 15 लाख रुपए, वो देंगे आपको अपने मामू के घर से? नहीं, वो देंगे आपको, हम क्यों देंगे आपको भाई, कमाल बात हो गई। अपने मामू के घर, कोई 15 लाख का कभी कोई वादा नहीं था भाई, उसके बारे में 10 बार बात हो चुकी है आपको। मुझे लगता है कि सुनिए, ये त्योहार में ना, ये त्योहार में दानिश भाई बीच में नहीं बोलते ना, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। मैं क्या कहता हूँ, ये त्योहार नहीं, बीच में नहीं बोलते, पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोलिएगा। ये त्योहार में काला टीके का काम मत करिए, देखिए दानिश कुरैशी जी, ये त्योहार में काले टीके का काम मत करिए, दिवाली है की तरह आप शिवम त्यागी जी एक एक करके बात रखते हैं सर, वरना ना मुझे समझ में आएगा ना मेरे दर्शकों को समझ में आएगा कि क्या आप दोनों कहना चाहते हैं। किसी ने मत पकाइए, एक एक करके बात करने लग जाते हैं। एक सेकंड दानिश जी, दानिश रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा चाहता हूँ कि दानिश जी को इस दिवाली में काले टीके की तरह काम नहीं करना चाहिए। ये अपशगुन की बातें क्यों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आने वाले हैं भाई। अब मैं विनोद बंसल जी के पास जाती हूं, दानिश जी लौटूंगी आपके पास, एक सेकंड शिवम त्यागी जब, एक सेकंड रुक जाइए। विनोद बंसल जी, राम राज्य की कल्पना की जा रही है और बदलती हुई अयोध्या की तस्वीर अब सबके सामने रखी जा रही है, जिस पर ये कहा जा रहा है कि सियासत का एक और मसला मिल गया है, क्या एक धर्म विशेष की बात ही क्यों? प्राची, सबसे पहले तो आपको, आपके पैनलिस्टों को, आपके सभी दर्शकों को दीपावली की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, और भगवान राम जब से 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे थे उस दिवाली की भी, और अब 500 वर्ष बाद वनवास से पुनः लौट रहे हैं उस दिवाली की भी अनंत शुभकामनाएं। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि अब ये दिवाली भारत वाली, अब की दिवाली स्वदेशी वाली, और अब की दिवाली राम मंदिर वाली। आप देखिए कि बार बार अभी लगभग 15 मिनट के आपके इस डिबेट के दौरान एक पैनलिस्ट ने संविधान की चार पांच बार दुहाई दी, संविधान 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 बोला, लेकिन संविधान के प्रथम पृष्ठ को भूल गए जिसमें राम दरबार का चित्र बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का ही संविधान था ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान था जिसमें कहीं भी सेक्युलर वर्ड नहीं था, वो सेक्युलर को किस तरह से घुसपैठ करके संविधान के अंदर अंकित किया गया उसको ये ढो रहे हैं। बात सेक्युलरिज्म की करते हैं, नाम मुसलमान है, और आप देखिए नाम काम कम्युनल करते हैं और ढकोसला सेकुलरिज्म का पीटते हैं, और राम को कम्युनल बताते हैं। आप देखिए ना कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, भूल जाइए पुरानी बातों को भाई, आप बाबरवादी सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाबरी को गए हुए अरसे बीत गए, बाबर भी मर गया, अब उस मानसिकता को मारना पड़ेगा भाई। अब ये देश राम का है, आपके सबके पूर्वज राम है, राम को रामत्व को हमें मन मंदिर में बिठाना पड़ेगा। अरे हमारे नहीं है, हमारे नहीं हो या तो शिवम त्यागी की औलाद है, सबके पूर्वज राम की औलाद है, और जिसके पूर्वज राम है उसके पूर्वजों को नहीं भूल सकते, आपका रिलीजन बदल सकता है, हो सकता है आपकी मान्यता और जो श्रद्धा जो है भारत की जगह वेटिकन अपने मक्का मदीना की तरफ हो गई होगी, लेकिन पूर्वज तो आपके भारत के रहेंगे ना जी, भारत माता की जय तो बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ इससे अब जय श्री राम बोलने में आपको क्या आपत्ति है, अब तो आपके लोग भी जय श्री राम बोलने लगे हैं भाई, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और संविधान के प्रथम प्रश्न को तो कम से कम याद रखो जी, अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म पर थोपना भी तो ठीक नहीं है ना दानिश कुरैशी साहब, अगर अपने धर्म की बात कर रहे हैं तो उन पर अपने धर्म को थोपना, अपने धर्म को थोपना तो एक ही है ना, और कौन नहीं नहीं सर, हम कौन होते हैं विनोद बंसल जी ये तय करने वाले कि आप किसके पूर्वज कौन या दानिश कुरैशी जी के पूर्वज कौन? राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य पर बात कर लेते हैं। मैं तो राम राज्य की बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो जय श्री राम बोल रहा हूँ, मैं तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती करिए मत बोलिए बोलिए, मैं कहता हूँ आप देखिए राम सबके पूर्वज है, जय श्री राम तो बोलना ही चाहिए, नहीं बोल रहे तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं,
देखिए अब देश रामत्व की तरफ बढ़ रहा है, अयोध्या समर रही है, अयोध्या सज रही है, अयोध्या अयोध्या जो है ना पूरे विश्व को एक संदेश देने के लिए पुनः खड़ी हुई है। आप देखिए जिस अयोध्या के अंदर मुख्यमंत्री जाने से कतराते थे, आज वहां पर कैबिनेट की बैठक हो रही है, आज मुख्यमंत्री हर सप्ताह आते हैं। ठीक है विनोद बंसल जी, अयोध्या कितनी बदल रही है और कैसे बदल रही है उसकी वानगी अब दिख भी रही है। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ सर, क्योंकि दीयों के जलने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। मेरे ठीक पीछे जो दिए हैं वो अब आपको टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। दिए जो है वो लगातार अब जलाए जा रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने काम में लग चुके हैं और उन्होंने दिए जलाने शुरू कर दिए हैं। और अब से कुछ देर बाद वो मनमोहक तस्वीर आप सभी के सामने होगी, जिसका इंतजार मुझे लगता है भारत ही नहीं पूरी दुनिया भी करती है, क्योंकि पूरी दुनिया के पटल पर अयोध्या टिमटिमाती हुई नजर आती है, अयोध्या जगमगाती हुई नजर आती है। दानिश कुरैशी जी, अगर अयोध्या का विकास हो रहा है, अगर अयोध्या दीपोत्सव भव्य तरीके से मना रहा है, तो इसमें कहां आपको लगने लगता है कि सिर्फ एक धन विशेष की बात हो रही है? संविधान के दायरे में आना चाहिए मुख्यमंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपके पैनल में बैठे ये वीएचपी के प्रवक्ता जो बाकी सारे मजहबों का जिस तरह से वो करते हैं आनंद, मुझे लगता है कि इन चीजों का अरे आपने क्या कहा कि बस आपका एक ही मजहब है और कोई है ही नहीं, क्या मतलब है इसका भाई, क्या मतलब है इसका? आपका ही है, बिल्कुल सही बात है। अरे मेरा मजहब मेरे लिए, आपका मजहब आपके लिए है भाई। बीच में इंटरप्ट मत करिए। हमने तो नहीं कहा आपसे, आप भी तो विनोद बंसल जी प्लीज मर्यादा रखिए डिबेट की, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए जो किसी की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। और एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। और दानिश कुरैशी जी, यही आप लोगों की गलती है ना सर, आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। आपको नहीं नजर आता है कि जब विनोद बंसल जी को टोका गया तब आपको नजर नहीं आएगा, आपको टोक दूं तो आपको लगने लगता है ये तो गलत हो गया। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए प्लीज। अब जवाब दीजिए, मैं तो संविधान याद दिलाया आपको, मजहब तो एक ही है, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई मजहब तो एक ही है, मुझे नहीं लगता कि ये तरीका ठीक है। दानिश कुरैशी जी, विनोद बंसल ने जो बोला उस पर मैंने उन्हें टोका, उन्हें मैंने याद दिलाया कि हम किसी और पर अपने धर्म को थोप नहीं सकते और हम ये तय नहीं कर सकते कि आपके मेरे किसके पूर्वज कौन थे। मैंने टोका सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये संविधान के दायरे से कैसे अलग हो जाता है अगर अयोध्या में दीपोत्सव मन रहा है तो? सुनिए, देखिए हमने न अयोध्या के दीपोत्सव का विरोध किया न किसी और बात का विरोध कहा। विवाद इस बात को लेकर के हुआ कि भाई उन्होंने ये कहा कि राम राज्य की स्थापना, अरे भाई हमने कहा देश में संविधान की स्थापना है ही, और कुछ होने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है देश के संविधान को। तो मैंने क्या गलत कहा ये बता दीजिए आप, कि भाई आप जो कह रहे हैं वो गलत है, वो संविधान से अलग बात है या क्या कॉन्ट्रोडिक्ट करता है ये संविधान की जो परिभाषा? एक मिनट सर, संविधान की जो परिभाषा आप समझा रहे हैं एक बार फिर से रिपीट करिए, ऐसा क्या है अयोध्या के दीपोत्सव में या सीएम के भाषण में जो संविधान के दायरे से अलग है? अरे सुनिए, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, वह दसियों बार कॉन्ट्राडिक्शन कर चुके हैं। आपको याद हो तो आगे भी एक मस्जिद का मामला कोर्ट में था, उस दिन अदालत में फैसला था और वो ये कह रहे थे कि वो मस्जिद तो ये, तो उनकी स्टेटमेंट तो आपके सामने है, उनके तरीके, उनके बात करने का उनका जो टोन है वो तो आपके सामने है, और ये समझाने की जरूरत नहीं है। प्राची जी आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं और आपके व्यूअर्स भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं, इसलिए इस बात को कोई वो नहीं है। सवाल यहां ये है कि आप ये कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना करेंगे तो आप ये कह दीजिए कि संविधान हटाने की बात कर रही हैं, मुझे बताइए क्या संविधान हटाने की बात की जाएगी? प्राची जी नहीं, इसमें संविधान कैसे हटेगा? इसमें संविधान कैसे हटेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, बात करने लगे तो आप पिछले पर चले जाते हैं। अरे बयानों को कोट करूंगी दानिश कुरैशी जी, तो फिर आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, राम राज्य की बात करना या एक सेकंड, अरे रुकिए ना दानिश कुरैशी जी एक मिनट, मुख्यमंत्री का ये कहना कि सबका साथ सबका विकास होगा, ये संविधान के दायरे से बाहर कैसे है, बस इतना बताइए इस लाइन का मतलब। सबका साथ, सुनिए, सबका साथ सबका विकास और राम राज्य की स्थापना करना, दो चीजों को आप मिक्स कर रही हैं प्राची जी। मैं ये कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास
बात, वो तो जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की हो, प्रधानमंत्री की हो, तमाम लोगों की है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना करेंगे तो ये कैसे करेंगे, संविधान हटा के करेंगे? मुझे बताइए, राम राज्य की स्थापना कैसे करेंगे? क्या देश में से संविधान हटा के करेंगे? राम राज्य की डेफिनेशन आपके लिहाज से क्या है दानिश कुरैशी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं शिवम त्यागी जी से क्लियर करवा देती हूँ, वही बेहतर बताएंगे, उनकी सरकार है। शिवम त्यागी जी, राम राज्य की परिकल्पना करना या राम राज्य का, आप कह रहे हैं कि राम राज्य आएगा देश में, इसका सीधा मतलब है कि आप लोग संविधान को हटाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि उनको शायद समझ नहीं है। राम राज्य का अर्थ है कि देश में 150 करोड़ लोग अगर हैं तो सबके सब खुश रहें, कोई असमानता ना रहे, किसी में ऊंच नीच का भाव ना रहे, कोई किसी के प्रति जो है नफरत या विरोध ना रखे, कोई भी इस देश में परेशान ना हो, इसका, इस परिकल्पना को राम राज कहते हैं। अब इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपने आप डाल लें, जो हमारे साथ बैठे हैं पैनल में, दिनेश, माफ कीजिएगा, जो दानिश बैठे हुए हैं, ये अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं, हम तो इनको अपना ही मानते हैं। मेरे देखिए, दानिश बोला, दिनेश निकल गया मेरे मुंह से, हम तो इनको अपना ही मानते हैं। अब एक और चीज पर आते हैं, बड़ी साफ बात है, देखिए आप इसको माने ना माने, हमें आपकी टोपी से 500 साल में कभी परेशानी नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ जी के भगवा से आपको क्या परेशानी है भाई, एक बात बताइए, हमने आपको बोला क्या कुछ? हमने तो कभी नहीं कहा। अगर वो ज्ञानवापी के बारे में बात करते हैं तो वो सही बात करते हैं, वो तथ्यात्मक बात करते हैं। ये भगवा से इतना डरिए मान, इसी परिदृश्य से निकलकर सब आए हैं, आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? मैं कितना भी कर लूं, मैं अपनी 5 जनरेशन में अपने दादा के दादा के दादा के दादा का नाम नहीं बदल सकता भाई, मैं अपने एंसेस्टर्स कैसे बदल सकता हूं? हो सकता है कि मेरे बच्चे कल किसी और धर्म को माने, वो अलग विषय है। दानिश कुरैशी जी के मन में एक शंका पैदा हो रही है कि राम राज्य का मतलब ये है कि आप जो सर्वधर्म की बात होती है आप उसे खत्म कर देंगे। देखिए, कल परसों ही जावेद अख्तर ने कहा है, इस देश में सेक्युलरिज्म और इस देश में लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल देश है। दानिश, इसको पाकिस्तान ना समझें, या सीरिया ना समझें, या यमन ना समझें, या ईरान ना समझें, ये सब नहीं है भाई, ये हिंदुस्तान है। हम लोकतंत्र को तोड़ने वाले लोग नहीं है, होते तो 90% कब हम है भाई, वो तो कब का टूट चुका था, नहीं हम वैसे लोग नहीं है, हम अपने साथ वालों को एक बार दिखाने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे अब जो दिए हैं उनके जलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन दियों को यहाँ पर लगाया गया, वॉलंटियर्स लगातार यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, तैनात थे, और उनको भी बेसब्री से इंतजार था कि कब वो मौका आएगा जब वो दिए जलाने शुरू करेंगे, कब वो मौका आएगा जब अयोध्या एक नया रिकॉर्ड अपने नाम पर कायम कर लेगी। और देखिए, वो मौका अब आ भी गया है इनके लिहाज से, क्योंकि दियों के जलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी पूरी तरीके से दिए नहीं जल पाए हैं, लेकिन जितने भी दिए आपको नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में टिमटिमाते हुए तारे हैं, और आसमान में टिमटिमाते हुए ये तारों की चमक है जो आज अयोध्या में उतर आई है। मानो आज त्रेता युग वाली दीपावली एक बार फिर से अयोध्या मना रहा है, क्योंकि आज मौका है भगवान श्री राम के स्वागत का, और भगवान श्री राम का स्वागत अयोध्या कैसे है उसकी झलक हर साल देखने को मिलती है। बीते 7 सालों से लगातार दियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाता है, दीपोत्सव की भव्यता बढ़ती जाती है, और इस बार तो दीपोत्सव की भव्यता इसीलिए भी अलग है, ये अयोध्या इसलिए भी अलग लग रही है क्योंकि इस बार दीपावली के साथ साथ रामलला आप मंदिर में विराजमान होंगे। ये भी एक खुशखबरी अयोध्या वासियों के लिए है, और ये जगमगाहट बताने के लिए काफी है कि अयोध्या फिलहाल दीपावली किस ढंग से मनाती है, किस रंग से मनाती है। अब शिवम त्यागी जी अपनी बात कंप्लीट करिए, देखिए तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हैं। आज का दिन त्योहार का है, मुझे लगता है एक दूसरे पर कटाक्ष करने से ज्यादा अच्छा है हम बात इन तस्वीरों की कर ले। हम कटाक्ष वाले समय में है ही नहीं प्राची जी, हमने तो इस दिन के लिए बहुत कुछ सहा है, हमारी पुश्तियां बर्बाद हो गई ये दिन देखने के लिए, हमसे पीछे कम से कम 6 जनरेशंस ये सब नहीं देख पाई हैं। हमारे देश में 70 साल में से 58 साल वो पार्टी रही जो अयोध्या को क्रॉस करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी रायबरेली जाते थे, फैजाबाद तक भी जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी 1.5 रुपए के बताशे, 1.5 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में, कभी जाना भी जरूरी नहीं समझा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेना जरूरी नहीं समझा। ये भारत का युग है, और अगर मैं बात करूं ये सनातन का युग है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था फिर से रीइंस्टेट करने का समय है, जिस तरीके से इस देश में एकदम स्ट्रक्चरल तरीके से इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ने का काम किया गया, जिस तरीके से लोगों को राम से नफरत थी, जिस तरीके से लोग जो है इस पूरे सब्जेक्ट को ही बिल्कुल अलग करते थे, जिस तरीके से लोग विजिट करना पसंद नहीं करते थे, हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकती है? मेरे लिए, आपके लिए, विनोद बंसल जी के लिए, हमारे दिनेश भाई के लिए, इनके लिए भी इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता भाई।
ये समझिए, इस दिन का ही तो इंतजार कर रहे थे हम। प्राची जी, मुझे लगता है कि दोबारा मुझे मत बुलाया करिए, इस तरह से किसी का भी अपमान करना अच्छी बात नहीं है। दानिश भाई, दानिश, गलती से आपका नाम निकल गया, आप इतना दिनेश का बुरा नाम है क्या? आपको इंसिट कर रहा हूँ, आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एंकर तरीके, ठीक है? ये बात अच्छी नहीं है। अगर मैं ह्यूमन एरर भी नहीं हो सकता, तो फिर दिनेश का दानिश निकल गया तो इतना बुरा मान गया, आपको बुरा लगेगा। प्राची जी कर रहे हैं, प्राची जी दोबारा मेहरबानी करके मत बुलाइएगा आप मुझे। ये आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पकड़ के बांध के लाया गया इनको, दोबारा मत बुलाइएगा, दोबारा मत बुलाइएगा। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। और शिवम त्यागी जी, किसी पर पर्सनल अटैक करने से अच्छा है, मैंने आपसे कैसे कहा कि आज इन खूबसूरत तस्वीरों पर चर्चा कर लेना ज्यादा अच्छा है। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। अयोध्या की मनमोहक तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे, साथ में कीजिए रामलला के दर्शन घर बैठे, और देखिए अयोध्या की ये नई चमक और नई धमक।